वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया पॉइंट्स टेबल आया है। टीम इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया एकदम बिल्कुल शीर्ष पे थी और अभी भी शीर्ष पे है, लेकिन पॉइंट्स में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जब आप लोग पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पता चलेगा। अभी आपको पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे और साथ में कौन कौन सी टीम भागीदारी है, अभी कौन कौन सी टीम बनी हुई है और कौन कौन सी टीम फाइनल खेल सकती है, ये भी जो है यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ज्यादा चांस जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। लेकिन जिस प्रकार से टीम इंडिया भी मुकाबले हारते जा रही है, उस प्रकार से पॉइंट्स का भी ज्यादा घटते जा रहा है। और अगर यहाँ और एक दो मुकाबला टीम इंडिया हारती तो श्रीलंका को मौका मिल जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा माइनस हुआ है टीम इंडिया का पॉइंट्स। तो चलिए आप लोगों को पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से टीम इंडिया को नुकसान हुआ है। ये जो आप लोग WTC पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं, ये पुराना पॉइंट्स टेबल है और साथ में ये देखिए यहाँ पे जो आप लोग PCT देख रहे हैं 74 है। अभी आपको नया पॉइंट्स टेबल भी दिखाएंगे, 74 है, 74.24 है। और वहीं टीम इंडिया का जो पॉइंट्स है 98 है। PCT जो देख रहे हैं इसी के तहत जो सिलेक्शन होता है पॉइंट्स टेबल, और ये WTC का पॉइंट्स टेबल पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, तीसरे पर श्रीलंका दिख रहा होगा। और यही नया पॉइंट्स टेबल अगर हम लोग देखते हैं तो जहां 74 इंडिया का पॉइंट्स था वहां पे आप लोग इंडिया का पॉइंट्स देखेंगे तो 62.82 हो गया है। कितना ज़्यादा, 10 से भी ज़्यादा पॉइंट्स जो है इंडिया का घट चुका है। किस प्रकार से घटा है, मैक्सिमम जो पॉइंट्स गया है इंडिया का वो 74 गया है, 74.56 गया है, और यहाँ पे जो कम है वो 62। यहाँ दो मुकाबले जो है इंडिया हारी है, दो मुकाबले हारी है, जिसमें से अभी टीम इंडिया के 6 मुकाबले बचे हैं, 6 मुकाबले में से एक मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ बचा है, 5 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचा है। 6 मुकाबला टीम इंडिया को खेलना है और 6 मुकाबले में टीम इंडिया को कम से कम 4 मुकाबले जो हैं जीतने हैं, 4 मुकाबले जीतने हैं, और 4 मुकाबले जीतने का मुकाबला ड्रॉ कराना तो टीम इंडिया नंबर 1 पे बनी रहेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूजीलैंड है यहाँ पे, चौथे नंबर पे श्रीलंका है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इंडिया है। इंडिया यानी पॉइंट्स टेबल में कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है, 10 पॉइंट्स टीम इंडिया के घटे हैं, 10 पॉइंट्स घटे हैं। और टीम इंडिया जहां एकदम बिल्कुल नंबर 1 पे थी, शीर्ष पे थी, वहां पे टीम इंडिया अभी भी नंबर 1 पे तो बरकरार है, लेकिन पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा टीम इंडिया के कम हो चुके हैं। वैसे ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। करंट पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं, PCT पॉइंट जो 62.82 है, इसी पॉइंट्स के तहत जो है वो सिलेक्शन होता है यानी WTC में, और WTC फाइनल जो है वो 2025 में होने वाला है, स्टार्टिंग में ही होगा। उसी में से टीम इंडिया को अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा तब WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और WTC के लिए मात्र जो मुकाबले बचे हैं इंडिया के वो 6 मुकाबले बचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के 7 मुकाबले बचे हैं, 4 मुकाबले श्रीलंका के हैं और 4 मुकाबले न्यूजीलैंड के बचे हैं। सबसे ज़्यादा मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बचा हुआ है 7 मुकाबला, और 6 मुकाबला इंडिया का बचा हुआ है। टीम इंडिया को शीर्ष में बने रहने के लिए जो है वो 6 मुकाबले में से टोटल 4 मुकाबले जीतने होंगे और एक मैच ड्रॉ कराना होगा तो टीम इंडिया जो शीर्ष पे बने रहेगी। और अगर टीम इंडिया हारती है और 2 से 3 मुकाबले हारती है तो यहाँ पे श्रीलंका को मौका मिल जाएगा, और साथ में ऐसे जितना चांसेस है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का खेलने का उससे कई गुना जो चांस है वो इंडिया का नहीं रहेगा, और साथ में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का चांस हो जाएगा। और वैसे अगर ऑस्ट्रेलिया भी हारती है तब फिर टीम इंडिया को उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है टीम इंडिया खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मुकाबले, उस 5 मुकाबले में अगर टीम इंडिया जीतती है और ऑस्ट्रेलिया एक दो मुकाबले भी हारती है तो टीम इंडिया के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे।